मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, नाउ स्टार्ट योर क्लास। फिफ्थ यूनिट का कुछ इनिशियल पोर्शन था जो कि अपन कर चुके हैं, जो जिसमें सिर्फ डेफिनेशन थी जो कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताई थी। अब आता है आपका कॉर्ड ऑफ अ सर्किल। तो कॉर्ड ऑफ अ सर्किल क्या होता है, जिसकी डेफिनेशन देख लीजिए। अ लाइन सेगमेंट विथ इट्स एंड पॉइंट्स लाइंग ऑन अ सर्किल इज कॉल्ड द सर्कल, द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। यानी कि एक लाइन सेगमेंट है जिसका एंड पॉइंट उसी सर्कल पर है, तो ऐसे पॉइंट्स को, ऐसे लाइन सेगमेंट को अपन क्या बोलते हैं, कॉर्ड ऑफ द सर्कल। जैसे कि ये, ठीक है। अब आता है आर्क ऑफ अ सर्किल। आर्क ऑफ अ सर्किल क्या होता है, तो कंटिन्यूस व पीस ऑफ अ सर्किल इज कॉल्ड एन आर्क ऑफ द सर्किल। यानी कि सर्किल का कंटिन्यूस पीस जो होता है वो ही आर्क ऑफ द सर्किल कहलाता है। और अगर अपन किसी भी चीज के आर्क लिखना चाह रहे हैं या लिख रहे हैं, तो उसके ऊपर इस टाइप का आपको शेप बनाना है, या इस टाइप का कोई भी, ये इस टाइप से आप ड्रॉ करेंगे। उसके ऊपर मान लीजिए ए बी सी ले, तो ये ए बी आर्क ले रहा है इस टाइप से, ठीक है। आया समझ में? अब एक्सरसाइज आती है आपकी 5.1, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें सिर्फ डेफिनेशन ही आपको बतानी है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको एक्सप्लेन की थी, वही डेफिनेशन है। और इन पर कुछ पर मैंने टिक मार्क किए हुए हैं, सिर्फ आपको वो ही डेफिनेशंस अपनी नोटबुक में नोट करना है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, टेक अ पॉइंट ऑन योर नोटबुक एंड ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडी 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6.5 सेंटीमीटर ईच हैविंग द सेम सेंटर ओ। यानी कि आपको अगर सर्कल बनाना है अपनी नोटबुक में, तो उसके लिए आपको किसी भी उसका यूज नहीं करना है, किसी भी, यानी कि जैसे कि बैंगल्स ले लीजिए या बॉटल का जो कैप होता है वो, तो इनका यूज नहीं करना है। मैथमेटिक्स में इनके लिए एक इंस्ट्रूमेंट ही समझ लीजिए उसको, तो वो होता है जिसका नाम होता है कंपास, ठीक है। तो कंपास अभी मेरे पास में है नहीं है, नहीं तो मैं आपको बताती किस टाइप का होता है, तो उसी का यूज करते हुए आपको सर्किल ड्रॉ करना है। तो इसमें आपको रेडी, यानी यहाँ पर रेडी लिखा हुआ है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ रेडी का मीन्स है रेडियस, जो कि मैंने आपको बताई थी। रेडियस क्या होती है, सेंटर से इसके सरफेस, यानी कि जो आउटर लेयर है इसको जोड़ने वाली जो लाइन होती है वो कहलाती है रेडियस, ठीक है। तो ये रेडी लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो आपको कंपास का यूज करके 6 सेंटीमीटर लेना है एक रेडियस, 6 सेंटीमीटर आप नाप कर लेंगे, और उसके बाद में सेंटर वो ही रहेगा, और उसको मानकर आप इस तरीके से, ये जैसे रेडियस 6 सेंटीमीटर है, इस तरीके से आप ड्रॉ करेंगे, ऐसे घूमता हुआ आएगा, ये यहाँ पर रखते हैं उसकी नोक को, कंपास की नोक को इस तरीके से घूमता हुआ आता है। तो 6 सेंटीमीटर का आपको ड्रॉ करना है, एक 5 सेंटीमीटर का ड्रॉ करना है, एक 6.5 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है। तो ये सब मैं आपके पास में पीडीएफ के थ्रू पहुंचा तो दूंगी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंपास से बताऊंगी वो किस टाइप का होता है। जिसने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, और जिसने नहीं देखा तो वो कंपास भी आप देख लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो में, अभी है नहीं मेरे पास में, नहीं तो अभी मैं बताती हूँ आपको। तो जो सेकेंड क्वेश्चन है वो, उसमें आपको सर्कल ड्रॉ करना है, रेडियस आपको दी हुई है, तो इसके थ्रू आप सर्कल ड्रॉ करेंगे, किसका यूज करके, कंपास का यूज करके। थर्ड है आपका, ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड एनी रेडियस, कोई भी रेडियस आप ले लीजिए जिसमें कि सेंटर ओ रहेगा, और आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है। ड्रॉ एसी एंड बीडी टू परपेंडिकुलर डायमीटर्स, दो परपेंडिकुलर डायमीटर्स रहेंगे जिसके नाम क्या है, एसी एंड बीडी, दो नाम परपेंडिकुलर डायमीटर्स हैं ऑफ द सर्कल। उस सर्कल पर ज्वाइन ए बी बी सी सी डी एंड डी, और उनमें ए बी बी सी सी डी डी है वो ज्वाइंट करना है। तो कोई भी रेडियस ले लीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन है आपका, सॉरी फोर्थ नहीं, फिफ्थ क्वेश्चन, टेक टू पॉइंट्स एंड व्यू ऑन द पेज ऑफ योर नोटबुक। आपके नोटबुक के पेज पर एक, वो दो पॉइंट्स आप लीजिए एंड बी,
ड्रॉ अ सर्कल, एक सर्कल ड्रॉ कीजिए विद सेंटर ए, ए को सेंटर मानते हुए विद पासेस थ्रू बी, ए को दो पॉइंट्स आपने ले लिए जिसमें ए जो होगा उसको सेंटर मानेंगे और इस तरीके से सर्कल ड्रॉ करेंगे कि वो बी को टच करता हुआ जाए, यानी कि वो जो बी पॉइंट है वो उसी सर्कल में आना चाहिए। एक बार मैं एग्जाम्पल के उससे बता देती हूँ आपको। मान लीजिए ये ए पॉइंट है और जहाँ पर सर्कल यहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं कंपास के यूज करके जब आप ड्रॉ करोगे, अब ये पॉइंट्स उसमें सेंटर पे आए, ये सर्कल अच्छे से बन नहीं पा रहा है, बोर्ड पर बना रहे हैं उसने, तो ये सेंटर मान लीजिए ये है और पॉइंट्स भी ये है, तो यानी अपन को इस तरह से सर्कल को ड्रॉ करना है कि जो बी पॉइंट है वो सेंटर की जो आउटर लेयर है उस पर ही आना चाहिए। ये फिफ्थ क्वेश्चन है आपका। और सिक्स क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ अ सेमी सर्कल विद सेंटर ओ, सेमी सर्कल यानी हाफ सर्कल बनाना है आपको एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस क्या लेनी है आपको 6 सेंटीमीटर, इज द डायमीटर दैट डिटरमाइंस द सेमी सर्कल अ पार्ट ऑफ द सेमी सेंटर। तो आपको ये बताना है कि अगर 6 सेंटीमीटर की रेडियस लेकर आप उसको एक सेंटर मान रहे हैं, उस सर्कल का सेंटर मान रहे हैं और उस सर्कल के सेंटर को मानते हुए आप रेडियस 6 सेंटीमीटर लेकर एक सेमी सर्कल आप ड्रॉ करते हैं तो उस पर डायमीटर होता है या नहीं, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा नो। ठीक है, सेवन क्वेश्चन है, द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 16 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स रेडियस। यानी कि एक सर्कल है जिसका डायमीटर क्या दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, तो उसकी रेडियस आपको निकालना है। आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर सेवन है जिसमें आपको क्या दिया हुआ है, आंसर में अपन लिखेंगे given that diameter क्या दिया हुआ है इसका, diameter equal to 16 सेंटीमीटर। ठीक है, और रेडियस आपको फाइंड करनी है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो पहले तो आप सर्किल ड्रॉ कर लीजिए ताकि आपको ये अच्छे समझ में आ पाए कि इसमें डायमीटर क्या है। ये सेंटर है, सेंटर से होता हुआ जाके इससे इधर से इस एक साइड से यानी कि सर्किल की एक लेयर से दूसरी लेयर को टच करता है, ये कहलाता है डायमीटर। ये कितना दिया हुआ है आपको, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 16 सेंटीमीटर दिए हुआ, अपन को पता है कि जो रेडियस होती है वो डायमीटर की आधी होती है, यानी हाफ होती है, ये इतनी ये रेडियस कहलाई, चाहे रखी ले लो आप चाहे घर से ले लो। ठीक है, तो लेंगे अपन जानते हैं कि डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडी लिख लीजिए, रेडी का मीन्स है रेडियस। ठीक है, यानी कि डायमीटर जो होता है उसमें जो रेडियस होती है वो दोगुनी होती है, यानी कि रेडियस का दोगुना 2 टाइम्स वो क्या होता है डायमीटर। तो जब अपन के पास में क्या दिया हुआ, डायमीटर की वैल्यू दी हुई है कितनी, 16 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, ये डिजिट लिखेंगे। तो जो इंटू में होती है जो भी डिजिट या नंबर्स वो हमेशा अकाउंट में आ जाते हैं, याद रखिएगा। जब अपन इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो इंटू में जो भी डिजिट होती है वो हमेशा अकाउंट में आ जाती है। तो ये अपन करेंगे, रेडियस की वैल्यू तो अपन को चाहिए, तो 2 एट 16 आपकी रेडियस क्या आ गई, 8। तो लिखेंगे अपन हेंस रेडी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर है। ठीक है, उसके बाद में कुछ फ्लक्स हैं जो कि मैंने फिल कर दिए हैं और कुछ ट्रू फॉल्स हैं वो भी मैंने फिल किए हुए हैं, तो ये आपके पास में पीडीएफ के थ्रू पहुंच जाएंगे। उसके बाद में आती है आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज में फर्स्ट आपका है पैरेलल लाइंस। पैरेलल का मीन्स मैंने प्रीवियस वीडियो जो कि आपके
बताया था पिछली वीडियो में, मैंने आपको बताया था कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, ठीक है। तो आपकी आती है फर्स्ट जो है डेफिनेशन, वो है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती है, टू लाइंस एल एंड एम इन द सेम प्लेन आर सेड टू बी पैरेलल। दो लाइंस एल और एम दी हुई है जो कि एक प्लेन पर है और उनको हम पैरेलल कह सकते हैं। इफ यदि दे डू नॉट इंटरसेक्ट, या आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, व्हेन प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली इन आइदर डायरेक्शन एंड वी राइट एल पैरेलल एम व्हिच इज रीड एट एल इज पैरेलल टू एम। पैरेलल लाइंस, ठीक है। पैरेलल लाइंस क्या होती है, इस टाइप से जो लाइंस दी हुई है लाइन सेगमेंट, वो पैरेलल लाइंस कहलाती है। ये क्या है, ए और एम। आपकी बुक के अकॉर्डिंग में उसको समझा रही हूँ, ए और एम है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो अगर हम आपको लिखना है कि एल पैरेलल एम, तो अपन कैसे लिखेंगे, एल पैरेलल। ये जो साइन है डबल लाइंस आपको दिख रही है, ये पैरेलल के साइन है। तो कहीं भी अगर ये लिखा होगा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्या लिखा हुआ है, एल पैरेलल एम। यहाँ पर बीच में अपन पैरेलल नहीं लिखेंगे, इस तरह से आप इस सिंबल का यूज कर सकते हैं। सेकेंड है पैरेलल रेज। पैरेलल रेज कौन सी होती है, तो पैरेलल जुड़ा हुआ यानी इस टाइप से कुछ फिगर बनेगा। पैरेलल रेज देख लीजिए आपको, जिनका एक ही एंड पॉइंट होता है, ये पैरेलल रेज है एल और एम। यहाँ पर ये क्या है, पैरेलल है, ठीक है। यानी कि ये आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, और जो लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती वो लाइंस क्या कहलाती हैं, या वो रेज क्या कहलाती हैं, वो सेगमेंट क्या कहलाता है, पैरेलल लाइंस, पैरेलल रेज, पैरेलल सेगमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आता है पैरेलल सेगमेंट। ले लीजिए कोई भी लाइन का कोई भी पोर्शन, वो सेगमेंट हो जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि इसी के बराबर में हो, कि उससे सेकंड वाली जो लाइन है उससे बड़ी भी हो सकती है। तो इस टाइप से बना हुआ कोई भी है फिगर वो क्या कहलाता है, पैरेलल सेगमेंट। या आपको स्केल का यूज करना है, बोर्ड पर अच्छे से ड्रॉ नहीं हो पा रही है, तो आपको स्केल का यूज करना है। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल रेज क्या होती हैं, और पैरेलल सेगमेंट क्या होते हैं। इसमें ये कंडीशन है कि आपस में इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए। तो इस टाइप की जो लाइंस होती हैं, जो रेज होती हैं, जो सेगमेंट होते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं, पैरेलल लाइंस, पैरेलल रेज, पैरेलल सेगमेंट, ठीक है। तो कुछ एक्सरसाइज पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस हैं, जो कि अपन देख लेते हैं। इसमें आइडेंटिफाई पैरेलल लाइन सेगमेंट शोन इन फिगर, कुछ फिगर्स दिए हुए आपकी एक्सरसाइज 5.2 में, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई पैरेलल लाइन सेगमेंट शोन इन फिगर। नीचे फिगर दिए हुए हैं, इसमें आपको लाइन सेगमेंट्स में पैरेलल बताना है कि कौन कौन से हैं, तो आप बता देंगे। इसमें नाम बताना है सिर्फ आपको, देखिए फिगर्स दिए हुए हैं फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, दिख रहा है आपको। तो इसमें जो लाइन सेगमेंट आपको दिए हुए हैं, तो इनमें आपको बताना है कि पैरेलल हैं कि नहीं है, कौन कौन से पैरेलल हैं, वो दो नाम आपको लेना है। कि जैसे कि फर्स्ट ले लेते हैं अपन, ताकि आपको समझ में आ जाए। फर्स्ट फिगर इस टाइप से बना हुआ है, ठीक है। इसमें क्या है, एबीसी, एबीसी और डी और ई।
इसमें आप बताएंगे तो क्या हो जाएगा, बी सी जो है वो डी ई की पैरेलल है, ये जो लाइन है ये लाइन की पैरेलल है। समझ में आ रही ना आपको, ये दोनों आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है इसलिए आपस में पैरेलल है। तो आपके लिखेंगे इसमें आंसर जो बी सी पैरेलल, जैसे कि मैंने आपको पैरेलल का साइड बताया था डी, यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना सिंपल, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी टाइप से जो आगे भी फिगर दिए हुए उनमें आपको बताना है कि पैरेलल कौन कौन सी है लाइन सेगमेंट, ये आपको डिफाइन करना है। उसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन में आपके कुछ ट्रू फॉल्स हैं जो कि पीडीएफ के थ्रू आप तक पहुंच जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में न्यू एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।